में जाएंगे, ये जान लेबू का है फिल्म का ऑन लोकेशन शूट चल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का आपका जी? सबसे पहले देखने वाले सारे स्वतःगढ़ को, ऑडियंस को दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बताइए, इसमें आपका क्या रोल है मैडम, इस फिल्म में जान लेबू का में? जी अभी हम लोग मड में शूट कर रहे हैं। इसमें रोल की बात कर रहे हैं आप तो जान लेबू का है, और इसमें मुख्य भूमिका में आप लोगों को एक्टर में नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव जी, और एक्ट्रेस नज़र आएंगी अक्षरा सिंह जी, और मैं भी एक बहुत अहम किरदार, बहुत होता है कि फैमिली में सबको सबके बीच में खेलने वाली कूदने वाली, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, और बहुत मुख्य भूमिका में मैं भी नज़र आऊँगी। ये मैं अपने स्वतःगढ़ को नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ अगर मैं बता देती हूँ तो सबको लगेगा कि चलो इस किरदार में है तो क्या देखने जाएं। तो ये सारी चीज़ें सब छुपा रहे हैं इसलिए कि हमारे ऑडियंस हमारे लिए अपने चहेते दिनेश लाल जी के लिए, अपनी चहेती अक्षरा सिंह जी के लिए जाके थिएटर में इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखे, इस पूरी फिल्म को देखे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसके प्रोड्यूसर हैं सुरेश श्रीवास्तव जी, और इसके डायरेक्टर हैं दिनकर कपूर जी, इसके डीओपी हैं मनोज कुमार जी। सो बहुत मज़ा आ रहा है, अभी दिनेश जी जा भी रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है, दिनेश जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, बहुत पेशेंस, बहुत सीनियर, बहुत काम किए हैं, उनकी मूवी देख देख के हम लोग मतलब बड़े हुए हैं। सो उनकी एक्टिंग माइंड ब्लोइंग, बहुत मस्त एक्टिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि काश ऐसा होता है, जुनून बढ़ती है, मतलब कि अंदर से वो चीज़ें निकलती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं उनको देख के। सो काफ़ी सीखने को मिलता है। दिनेश जी की डांसिंग बहुत अच्छी है, हालांकि अभी गाना चल रहा है, सो मैं देखी हूँ मॉनिटर पर बैठ के, और उनके गाने की तारीफ, उनके डांस की तारीफ पूरी ऑडियंस करती है, उनका पूरा फैंस फॉलोइंग करता है। सो मैं छोटी सी जोया की नहीं, मैं भी उनकी डांस की, उनकी एक्टिंग की, उनकी डिलीवरी की, उनकी हर एक चीज, उनकी खूबसूरती की मैं भी दीवानी हूँ। सो बहुत अच्छे हैं दिनेश जी, नेचर वाइज तो बहुत ही प्यारे हैं, और सारी चीज़ों को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं। अगर सेट पे कुछ होता भी है तो मतलब इतने प्यार से सबको समझाते हैं, सबको बाबू भैया कह के बोलते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। सो दिनेश जी बहुत ही अच्छे हैं। और अक्षरा जी की बात है तो अक्षरा दी जितना मुझे मोटिवेट की है इस सेट पे, जितना मुझे चीज़ें सिखाई हैं, उनकी एक्टिंग मतलब ऐसा लगता है कि पूरी लड़कियों के लिए एक होता है ना कि मेन गार्जियन, सारी चीज़ों, उतनी हिम्मत, उनको देख के एक मतलब जुनून बढ़ता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। सो अक्षरा दी तो लड़कियों के लिए एक साथ साथ देखा जाए तो बहुत बड़ी मोटिवेशन, एक बहुत बड़ी जिम्मेदार, एक सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा स्ट्रगल, कितना सारी परिस्थितियाँ को सामना करते हुए, कितने सारे होता है कि बहुत बोला जाए तो बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ों को सामना करते 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 खुद के पैर पे वो खड़ी हुई हैं। सो उनकी डांसिंग की मैं बहुत बड़ी दीवानी, उनकी सिंगिंग की पूरी ऑडियंस हमारी दीवानी है। सो मैं भी बहुत लाइक करती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ अक्षरा दी को। सो माशाल्लाह अक्षरा जी को नज़र ना लगे, और ऐसे ही बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करती रहें, और आगे बढ़े, और हम लोग भी पीछे दौड़ते रहे। फिल्म का टाइटल है जान लेबू का, उसके बारे में क्या, ये टाइटल से किसका जान लेने की बात होती है? हमारी ऑडियंस की जान ले जाए। कॉन्सेप्ट इतनी प्यारी है कि जान लेबू का, आप लोग इसको जितना देखेंगे, जितना देखेंगे आप उस पर और जान लगा के देखने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें ऑडियंस के सामने हम नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि थिएटर में देखने पे ही मज़ा आता है। सो मैं चाहूँगी, और मैं आप लोगों से उम्मीद भी करूँगी कि आप लोग हमारे अल्फाज सुन रहे होंगे, और आप लोग थिएटर में जाके ज़रूर देखेंगे। आज अक्षरा सिंह का भी जन्म,
नहीं, अक्षरा दी का कल था, हम लोग का साथ में कल सीन था, बहुत मजे की रील्स वगैरह बहुत बना। सो अच्छा लगता है उनसे मिलके, एक मतलब जब थम से जाते हैं ना तो अक्षरा दी को देखने के बाद एक जुनून पैदा हो जाता है कि नहीं हमें भी अक्षरा दी जैसे बनना है। सो अक्षरा दी का जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता, उनकी जगह अकेले ही कायम है। और मैं दुआ करती हूँ कि हमेशा कायम रहे, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा उनको मिलती थी, मिलती है और मिलती रहे। सो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। साथ आपकी पहली फिल्म है या फिर और भी पहले कर चुकी हैं आप ऐसा कुछ? नहीं, दिनेश जी के साथ मेरी फर्स्ट मूवी है और फर्स्ट मूवी में इतने फ्रैंक हो गए कि बहुत जल्दी हमारी ऑडियंस को मैं दूसरी फिल्म दूंगी। इतना अच्छा दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि कोविड 19 चल रहा है, बहुत बहुत मतलब कि डरने की बातें, बहुत सतर्क रहने की चीज़ें, और ख़ास करके मुंबई में कोविड 19 बहुत ही बढ़ चुका है। मैं बता नहीं सकती अपने लफ्ज़ों से क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ देख रहे होंगे। सो खुद को सुरक्षित रखें, खुद को कहीं भी जाएं तो मास्क हमारे प्रोड्यूसर जी मास्क सैनिटाइजर का सेवन करें और सेम मतलब कि हाँ इस्तेमाल करें। सॉरी ध्यान कहीं और भटक गया था। कहीं भी जाएं मास्क लगा के जाएं और किसी भी चीज़ को छूने से पहले सैनिटाइज का यूज़ करें। अपना ख्याल रखें क्योंकि हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही हम जीवित रहेंगे, तो ही हम सारी महामारियों से बचेंगे और आगे भी डट के मुकाबला कर सकेंगे। सो अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। इस टाइम बाहर निकलना बिल्कुल ही सही नहीं है, कहीं भी आप लोग बाहर मत जाइए, अपने घर में रहिए, खाइए बनाइए, यही तो एक मौका है घर में रहने का। हालाँकि 1 ईयर हो गया घर में साथ में बिताते बिताते सब लोग बोर हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, कोई रास्ता नहीं है। सो अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली के साथ घर में रहिए, हैंड वॉश करते रहिए और सैनिटाइज यूज़ करते रहिए, मास्क लगाइए। हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग सेट पे हैं, हम लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और खुद का ख्याल रख रहे हैं। सो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, हमारी ऑडियंस से यही उम्मीद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे अल्फाज ज़रूर सुने होंगे जी। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.